बकरीद का पर्व इस बार 29 जून को मनाया जाएगा। बकरीद के पर्व पर कुर्बानी के लिए देश भर की बकरा मंडी सज गए हैं। वाराणसी के बकरा मंडी में बकरीद के मौके पर आए एक खास बकरे की चर्चा पूरे पूर्वांचल में है। इस बकरे को कुदरत का करिश्मा बताया जा रहा है और इसे देखने के लिए लोग वाराणसी के आसपास के जनपदों से पहुंच रहे हैं। बरबरा नस्ल के इस बकरे की खास बात यह है कि इसके पीठ की एक तरफ मोहम्मद और दूसरी तरफ अल्लाह लिखा हुआ है। इस बकरे की डिमांड बकरा मंडी में काफी ज्यादा है। कुर्बानी के खास पर्व पर वाराणसी के बेनिया बाग बकरा मंडी में आजमगढ़ के पी कुमार बरबरा नस्ल के बकरे को लेकर वाराणसी में बिक्री के लिए पहुंचे। मोहम्मद और अल्लाह लिखे इस बकरे को देखकर हर कोई हैरान है और सभी की चाहत है कि वह इसे खरीदें। डिमांड को देख पी कुमार ने इस खास बकरे की कीमत 6 लाख रुपए रखी है और अब तक मंडी में इसकी कीमत 4 लाख रुपए तक लग चुकी है। 6 लाख रुपए के इस बकरे को मालिक ने बेचने से इनकार कर दिया और कुर्बानी के लिए ले जाने वालों के लिए कीमत 6 लाख रुपए की डिमांड की। बकरे के मालिक ने एक और खास ऐलान किया जिसे सुनकर मुस्लिम समाज के लोग बकरा मालिक की सराहना कर रहे हैं। बकरे के मालिक पी कुमार ने मंडी में खुला ऐलान किया कि यदि कोई इस बकरे को कुर्बानी की जगह पालने के लिए लेगा तो वह इस नायब बकरे को मात्र 3 लाख रुपए में ही दे देंगे। वाराणसी के बकरा मंडी में मोहम्मद अल्लाह बकरे के साथ फोटो खींचने के लिए आने वाले 9 युवकों की होड़ लगी हुई है। बकरा मंडी के संचालकों की माने तो इस बार सबसे महंगा मोहम्मद अल्लाह बकरा है। इससे पहले सबसे ज्यादा 80,000 रुपए का बकरा मंडी में बिका है। ऐसे में यह बकरा वाराणसी के बकरा मंडी का सबसे महंगा बकरा है। गौरतलब है कि कुदरत के इस खास नायब बकरे को बकरीद के मौके पर लेने की चाहत सभी खरीदार को है, लेकिन ये बकरा इतना ज्यादा महंगा है कि सभी इसे खरीद नहीं सकते। इंडिया 24/7 लाइव टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।